सपोज करो आपको मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर दी और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है? टुवर्ड्स राइट है। कोई डाउट इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है। इमेजिन करो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को इसमें रखा तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? हाँ या ना? करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखोगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कहाँ करेगा? राइट करेगा कि लेफ्ट करेगा? तुम्हें कैसे पता लगा राइट करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन होता तो कहाँ करता? लेफ्ट। ओके, रूल समझ लो। रूल ये है, सपोज करो जब मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल का मतलब कहीं ना कहीं किसी ने यहाँ पर प्लस चार्ज रखा होगा किसी प्लेट पे जिसने जनरेट की लाइंस, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी रखा होगा नेगेटिव चार्ज जिसने यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बन गया? मन में सोचना है। तो 2 मिनट सोचे, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो कहाँ? टूवर्ड्स राइट। सही है, राइट करेगा। और अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखता हूँ तो प्लस इसे खींचेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस कहाँ होगा? लेफ्ट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब क्योंकि स्पेसिंग बराबर है इलेक्ट्रिक लाइंस में, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूरी रीजन में क्या है? कॉन्स्टेंट है। जैसे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स्ड है, ई है। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ कितनी, आप बोलेंगे ई। यहाँ पे कितनी, आप बोलेंगे ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है ई इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई चार्ज, तो फोर्स की वैल्यू क्या है? क्यू इंटू ई। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? फोर्स इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है। अगर ये Q चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर E है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? टूवर्ड्स राइट, F इज इक्वल टू क्यू ई। और ऐसी ये चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नीट्यूड में? टूवर्ड्स लेफ्ट, क्यू ई। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो वह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर रोज हम खोल खोल के डायग्राम में स्टडी करेंगे, सीधा रिजल्ट याद करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप एक चीज लिख सकते हो अपने फॉर्मूला रजिस्टर में ताकि आपको याद रहेगा इसमें ये पॉइंट। पहला पॉइंट कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसी नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स, अगेन एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में क्यू ई इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखना है, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर क्वेश्चन आएगा प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा इन द डायरेक्शन टू द ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मूव तो करेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई के साथ। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहाँ तक? अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मिलिकन। उसने एक जादू करके दिखाया, उस टाइम की बात है, अब तो आप चीज़ों को समझ लेते हो, उस टाइम तो बड़ी बात थी। उसने एक ऑयल का ड्रॉप लिया, तेल ऑयल का ड्रॉप लिया, उस ऑयल के ड्रॉप पे उसने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया क्यू, उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे उसके, तो वह पॉजिटिव चार्ज ड्रॉप हो गया। उसने क्या किया,
उस पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉप को, जो कि पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉप था, उसको हवा में रोक के दिखाया, फ्लोट करके दिखाया, इक्विलिब्रियम में टिक गया हवा में। उस टाइम तो जादू वाली बात थी, क्या बात है, कैसे कैसे हो गया, क्योंकि ड्रॉप का वेट उसे कहाँ गिर रहा था, नीचे नीचे गिरना ही था उसने। क्यों नहीं गिर पाया, क्योंकि उसने उस ड्रॉप को किस में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसने कैसे अप्लाई किया होगा मुझे बताओ, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज फोर्स भी कहाँ एक्सपीरियंस करेगी, ऊपर की तरफ। भाई पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव, क्योंकि इसको बचाएगा कौन गिरने से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चार्ज पे फोर्स लगाएगी, और मैं चाहता हूँ कि फोर्स ऊपर लगे, क्योंकि अगर फोर्स ऊपर लगेगी इसके वेट को क्या कर जाएगी, बैलेंस, तो हवा में टिक जाएगा ये। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और मैं चाहता हूँ फोर्स ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर ही होगा। स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो पहली बार ऐसा हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये फेमस एक्सपेरिमेंट है। ठीक, तो इसलिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यही है। अब बनाएं डायग्राम और इक्वेशंस बनाएं, लॉजिक मैंने बताया क्या है इसमें। तो यहाँ तक क्लियर है? तो इसके अंदर, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर, यहाँ पे ये देखो, तो मैंने शीट में भी लिखा हुआ है कि जब पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इज एज शोन। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी ऊपर है। तो इस थ्योरी को यूज करते हुए मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, उसमें ये कहा गया आपके पहले न्यूमेरिकल में कि ऑयल ड्रॉप के ऊपर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्सेस का मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो रूल क्या बनेगा इसमें, मतलब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? फालतू है तो नेगेटिव ही होता होगा, प्लस तो डेफिशिएंसी होती है, हाँ नेगेटिव। तो इसमें ये एज्यूम करना है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है। अब कैसे, कितना नेगेटिव है, 12 एक्सेस। तो यानी कि आपने क्वांटाइजेशन किया हुआ है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12। तो 12 ई का नेगेटिव चार्ज है, यहाँ तक क्लियर है? तो 12 ई की वैल्यू है। अब वो कह रहा है कि ये हवा में स्टेशनरी है। देखो क्यों गिरेगा ये, कौन गिरेगा इसे, इसका वेट, तो इसका वेट कितना है, एम जी, एम जी से नीचे गिरेगा। कौन बचाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पड़ा हुआ है चार्ज। तो मैं ये चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कहां लगाए, नीचे के ऊपर, ऊपर ही लगाएगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये फ्लोट कर रहा है, स्टेशनरी है, तो फोर्स कहां लगनी चाहिए, एफ इज इक्वल टू कितनी, क्यू ई, ऊपर लगनी चाहिए। तो मुझे सिर्फ ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां अप्लाई किया होगा, नीचे के ऊपर, नीचे, क्यों नीचे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं यहां ड्रॉ करूं, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रॉन की, नेगेटिव की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ऊपर होना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या आना चाहिए कहीं से पॉजिटिव और ये क्या होना चाहिए, हालांकि इसे रिक्वायरमेंट नहीं है जो समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि नीचे है तभी फोर्स ऊपर है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है तो क्यू ई किसके इक्वल है, एम जी। अब क्यू किसके इक्वल है, 12 इंटू ई मैग्नीट्यूड में, माइनस साइन यहाँ पुट नहीं करना होता, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पुट करना है, 12 ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मास का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब 12 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू माइनस 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब आपको इसमें क्या निकालना है, आर निकालना है, ई आपको गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है, जी आपको गिवन है, यहाँ से आर क्यूब आएगा। ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्यूब रूट रिक्वायर्ड है, बट इट्स ओके, आपको मेथड समझ में आ गया तो अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पर क्यूब रूट क्योंकि करना नहीं आ रहा तो आर की वैल्यू इस तरीके से निकल सकती है, मेथड क्लियर है। मेरे असाइनमेंट में एक थोड़ी सी गड़बड़ है कि यहाँ पर ना उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इसको नीचे करो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की बजाय कहाँ होना चाहिए, नीचे, इसे नीचे कर लेना। देखो ना मैंने गलती से ऊपर कर दिया क्योंकि एक्सेस है ना, या फिर अगर यही क्वेश्चन सेम रखना है तो ऐसे कर लो, यहाँ पर लिख लो ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, मत लिखो को डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन लिख दो तो डायग्राम सेम रहेगा, क्योंकि अगर डेफिशिएंट होगा तो इसमें डेफिशिएंसी है तो पॉजिटिव चार्ज है, फिर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, फिर सेम है, एक चीज़ कर लो जो करनी है। पर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, वो 12 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस भी दे सकता है और वो डेफिशिएंसी भी दे सकता है, पर लॉजिक क्लियर है यहाँ तक? हर हालत में फोर्स तो क्यू ई ऊपर ही रहेगी, नहीं तो आपका ड्रॉप गिर जाएगा, तो ये स्टेप क्लियर है। यहाँ पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्लियर है, सॉल्व करके आर क्यूब आएगा, आर क्यूब से फर्दर सॉल्व करना है, और जो डेंसिटी है वो आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, आपको इसको केजी पर मीटर क्यूब में निकालना पड़ेगा, सारे सिस्टम ऐसा ही रखने पड़ेंगे। मेथड समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या रहेगा, किस फोर्स को किसके इक्वल करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपकी जो शीट है उसके अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये भी करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करना पहले, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है, एक पेंडुलम है जिसका मास आपको गिवन है, चार्ज भी पॉजिटिव गिवन है, रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे है? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, क्योंकि क्यू चार्ज जब ई फील्ड में लगा होगा इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यू ई। तो क्यू ई फोर्स ने क्या किया, पेंडुलम वैसे तो वर्टिकल था पर इधर फोर्स लगने से वो पेंडुलम टेढ़ा हो गया और यहीं आके रुक गया। फोर्स यहां पर क्या लग रही है, क्यू टाइम्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई।
नॉर्मली 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q1 q2 पे r स्क्वायर तो हमने किया था पेंडुलम वाले कोई, पर ये f इक्वल टू q से टिका हुआ है ऐसे, तो ये केस है, ऐसा केस है। तो कह रहा है कि इस केस में आपको टेंशन निकालनी है। देखो तो बात पक्की है, पेंडुलम की प्रॉब्लम्स में टेंशन के कंपोनेंट्स बनेंगे टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, ये तो हमने किया ही हुआ है तो बनना ही है। अब कैसी बनेगी इक्वेशंस इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट चेंज हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट हमने किए थे न्यूटन पर कूलम, ये आ गए वोल्ट पर मीटर, फिर अगले क्वेश्चन में आएंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। तीन यूनिट्स हैं इसके, वोल्ट पर मीटर भी हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है और न्यूटन पर कूलम भी है। बाकी दो यूनिट्स अभी हमने करने हैं, वो कैसे बनते हैं ये हमने किए हुए हैं न्यूटन पर कूलम, तो आप यूनिट्स पर ध्यान ना दें। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे सिस्टम है जो भी है, ठीक है, पर वो कैसे आए वोल्ट पर, तो पोटेंशियल का चैप्टर आएगा उसमें हम करेंगे इसे। तो इसमें क्या किया हमने, सेम क्वेश्चन है, तो डायग्राम कैसे बनेगा, टेंशन टी थीटा थीटा ऑल्टरनेट, टी के तो कॉम्पोनेंट्स टी कॉस टी साइन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगनी चाहिए जो पेंडुलम को थीटा एंगल पर रोक के रखेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरी तरफ है तो फोर्स भी इसी तरफ है, और अगर ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो टी कॉस थीटा किसके इक्वल है एम जी, और टी साइन थीटा किसके इक्वल है क्यू ई। तो दो इक्वेशंस क्लियर है, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है, इन्हें अगर आपस में डिवाइड कर लें तो टैन थीटा की वैल्यू आएगी। तो अगर आप दो वैल्यूज गिवन देखें, टैन इनवर्स भी गिवन है, तो अगर आप यहाँ पर क्यू ई एम और जी पुट करें तो टैन थीटा इसके इक्वल आएगा। तो थीटा टैन इनवर्स 0.51 आएगा, तो टैन इनवर्स 0.51 की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री। तो आपको एंगल यहीं से पता लग गया कि एंगल 27 है। वैसे इतने तो स्मार्ट आप हो, अगर एक ही वैल्यू गिवन है तो पता ही है 27 डिग्री एंगल तो आना ही है, ठीक है, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि चलो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बोलो क्या कह रहे थे, गिवन कर लो, मेरे में गिवन कर लो, नहीं तो हो नहीं पाएगा आपसे, हो नहीं पाएगा, ये चाहिए होगा आपको, टैन चाहिए होगा, क्योंकि अदरवाइज आपको पता ही ना कि एंगल क्या है, ठीक है। तो अब आपको थीटा पता लग गया, आपको साइन ऑफ 27 डिग्री पता है, आप एक काम करो इस थीटा को उठा के यहाँ पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, कि साइन 27 की वैल्यू पता है आपको, इसमें क्यू पता है आपको, इसमें ई पता है, टेंशन कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर निकाल लेना। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा, दो इक्वेशंस क्या लगेंगी, स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर है, कैलकुलेशन चलो कर ही लोगे, बट समझ में आ रहा है कि कैसे किस इक्वेशन को किसके इक्वल इक्वेट करना है तभी आंसर आएगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक करना पड़ेगा कैसे? कितना मास है, तो मिलीग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करना है, हाँ 6 आएगा मिलीग्राम से, राइट 6 आएगा, गलत किया है, 6 आएगा, राइट सही कह रहे हो, तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा 6 आएगा, क्योंकि मिलीग्राम से, ग्राम होता तो केजी होता -3 है, ठीक है मिलीग्राम, ठीक है एक जीरो का फर्क है इसमें। चलो मेथड समझ में आ गया, लेकिन नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हमारा आज डायपोल के दोनों क्वेश्चन वही हैं जिसमें ई इक्वेटोरियल और ई एक्सेल आज हमने स्टार्टिंग में लगाया था, तो ये हो गए क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 करो, क्वेश्चन नंबर 6
बेसिकली क्या करना है, अगेन आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ये आपके पास दो चार्जेस हैं, एक 5 × 10⁻¹⁹ कूलम और दूसरी 20 × 10⁻¹⁹ और सेपरेटेड बाय 2 मीटर। आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है लाइन ज्वाइनिंग देम जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाए। तो चलो मान लो ये वो पॉइंट है जहाँ पर नेट ई ज़ीरो है, तो नेट ई ज़ीरो के लिए मुझे ई ढूंढना पड़ेगा। तो जहाँ पर मुझे ई ढूंढना है वहाँ पर चार्ज प्लस वन होगा। तो मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये 2 − x है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। तो ई की वैल्यू कितनी लगेगी, 1/4 πε₀ 5 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाई x². और ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल। तो ई कितना लगाएगा, 1/4 πε₀ 20 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाई 2 − x² तो ये पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा। नेट ई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। इन्हें इक्वेट कर दें, कैंसिल करें, एक्स निकाल लें, आंसर 2/3 आएगा। तो मेथड क्लियर है यहाँ तक? वही सेम क्वेश्चन है, जैसे नेट फोर जीरो करते हैं वैसे नेट ई जीरो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। तो इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, चलो रेस्ट पे था, यू इज इक्वल टू जीरो, नीचे गिर रहा है। या इलेक्ट्रॉन नीचे कैसे गिर सकता है, तो इसके अंदर आपको कैसा, वेट की वजह से नीचे गिर सकता है। चलो वेट निगलेक्टेड, इसमें लिख लेना वेट इज निगलेक्टेड, लिख लो हिंट, एजम्पशन है इसमें वेट निगलेक्टेड। अब इलेक्ट्रॉन कैसे नीचे गिरेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा तो नीचे गिरेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, एफ इज इक्वल टू क्यूई, तो वो नीचे गिरेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगना चाहिए, ऊपर, ताकि इलेक्ट्रॉन फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करे, नीचे। तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कितनी एक्सलेशन से नीचे गिरेगा और कितने समय में वो 4 सेंटीमीटर नीचे गिरेगा। तो इसका आंसर निकालें, काइनेमेटिक्स लगाना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए टाइम आएगा और एफ इज इक्वल टू एम ए से एक्सलेशन आएगी।
इसके अंदर ये देखो, इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है 4 सेंटीमीटर, तो इधर ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होना चाहिए? ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगेगी। तो इसमें कौन सी फोर्स इसे नीचे गिर रही है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड, पॉइंट नंबर वन। हाँ, अगर आप वेट लेते हैं, जो कि लेना चाहिए क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट है, तो क्यू ई के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा? एम जी। तो इक्वेशन क्या बनेगी? क्यू ई प्लस एम जी इज इक्वल टू एम ए। पर मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मास तो बहुत छोटा है, इंटू जी करने से भी, 10 से मल्टीप्लाई करने से 9.1 × 10⁻³० में कैलकुलेशन चलेगी, अब कर नहीं पाएंगे, तो निगलेक्ट कर दिया। ठीक, तो यहाँ से एक्सलेशन की वैल्यू आ गई इसमें, ठीक हो गया एक आंसर। कितने समय में नीचे गिरा? उसके लिए एस इज इक्वल टू 0 + ½ 80 स्क्वायर। तो 4 सेंटीमीटर नीचे गिरा, हाफ एक्सलेशन फर्स्ट पार्ट से आ गई, इंटू टी का स्क्वायर, यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी जब सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, दो इक्वेशंस क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉन जब फॉल करेगा तो क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, यहाँ तक तो क्यू इज इक्वल टू एम में लगाना है इसमें। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में वो कह रहा है प्रोटॉन नीचे गिर रहा है, तो पहला काम क्या करेंगे प्रोटॉन नीचे गिरने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को अब नीचे होना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस केस में क्या करेंगे? सेम क्वेश्चन है, पहला स्टेप वही है, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, पर मास ऑफ प्रोटोन इसमें चेंज हो जाएगा, मास की वजह से एक्सलेशन चेंज हो जाएगी। फिर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर में, क्योंकि एक्सलेशन चेंज हुई तो वहां से टाइम भी चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा, बस मास के अंदर डिफरेंस होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है? ठीक, सपोज करो, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये रहा, इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम अ क्वाइन, एक क्वाइन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिमूव कर दूं, तो यानी कि कौन सा चार्ज आ जाए इसके ऊपर? नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। भाई चार्ज रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो डेफिशिएंट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दूं? मास आपको गिवन है क्वाइन का, ताकि वो हवा में फ्लोट करे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो रूल नंबर वन, कौन इस क्वाइन को नीचे गिरेगा? इसका वेट। कौन बचाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वाइन है और क्वाइन पे चार्ज है, और कौन सा? पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कहाँ लगनी चाहिए? क्यू ई। पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर ही होना चाहिए। और वो कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए, तो चार्ज इसके ऊपर क्या आएगा? एन ई। मान लो मैंने एन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी? एन ई। एन इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा? क्यू इज इक्वल टू एन ई क्वांटाइजेशन से। तो इतना चार्ज आएगा, इसे इक्वेट कर लें, क्योंकि इसमें अगर आप चाहते हैं रेस्ट पे रहे, तो एम जी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? क्यू ई।
या एम जी इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या होगी, एनी इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन में आपको मास पता है, पुट कर लेना, जी पता है आपको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, यहाँ से एन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करने पड़ेंगे ताकि ये क्वाइन स्टेशनरी रहे। तो ऑयल स्टेशनरी रहे, ड्रॉप स्टेशनरी रहे, क्वाइन स्टेशनरी, एक ही लॉजिक है, एम जी इक्वल टू क्यू ई, स्टार्ट ही यहीं से होगा, एम जी इक्वल टू क्यू ई, और चार्ज क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, वेर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, मतलब इतने क्वेश्चन करने वाला तो बंदा याद ही कर लेता है कि छोड़ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देखेगा, एम जी क्यू ई के इक्वल होगा, पक्की बात है, ठीक, इसी बोलते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस क्वेश्चन में, निगलेक्टेड है, वो ग्राम में है, वो -31 केजी में चल रहा है, बहुत छोटा है, निगलेक्टेड है यार। तो इसमें आपको तीन पॉइंट्स, आपको दो चार्जेस गिवन है, आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको पी पे, क्यू पे और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तीन क्वेश्चंस है। स्टार्ट विद पॉइंट पी, पॉइंट पी के साथ स्टार्ट करें प्लीज, पॉइंट पी के साथ स्टार्ट करें पहले, ये लो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, एंड टू एंड क्या आ रहा है। देखो ऐसा है, नहीं बी पॉइंट है लेकिन मुझे पी पे निकालना है, पी पे ऐसा, ये देखो ऐसा बनाओ, जैसे एक चार्ज है 10^-8 कूलम और दूसरा चार्ज है -10^-8 कूलम, ऐसे, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट पी है जिसकी वैल्यू 0.05 मीटर है, यहाँ पर भी वैल्यू 0.05 मीटर है, ऐसे। अब ये क्वेश्चन बना बस, तो आपको पी पॉइंट पे क्या निकालना है, ई निकालना है, तो चार्ज क्या रखेंगे, +1, ये पॉजिटिव इस +1 को क्या करेगा, रिपेल, तो ई की वैल्यू 1/4πε0(10^-8) डिवाइडेड बाय 0.05 का होल स्क्वायर, और ये नेगेटिव चार्ज इस +1 को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0(10^-8) डिवाइडेड बाय 0.05 का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो नेट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/4πε0(10^-8) अपॉन 0.05 का स्क्वायर इनटू 2, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है और सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके ये आंसर आएगा, कितना आ रहा है, 72 समथिंग आ रहा है, 72 × 10^2, अब मुझे लगता है कि 7200 के आसपास या 72000 आना चाहिए कुछ ऐसे, ऐसा मुझे दूसरे बैच में बताया, मुझे पता नहीं है, चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है इसका, मुझे मालूम नहीं है, गलत भी हो सकता है, शायद किसी और क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका आंसर चेक कर लो क्या है, हाँ इसी के आसपास है, तो ई की जो वैल्यू है 72000 न्यूटन पर कूलम आएगी इसको सॉल्व करके। तो पहला ये पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, इसी के अंदर अब क्वेश्चन है कि आपको अब क्यू पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, क्यू पॉइंट मतलब यहां पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, तो चलो एक काम करते हैं यार, डायग्राम नए बनाते हैं, तो क्यू पॉइंट का यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, कि सपोज ये क्यू पॉइंट है, यहाँ पे मुझे ई निकालना है, ये ए पॉइंट है जहाँ पर इतना चार्ज है, ये आखिरी पॉइंट है जहाँ पर मुझे इतना चार्ज है, ऐसे 0.05
0.05 ऐसे, ठीक है। रूल नंबर वन, जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन, तो ये पॉजिटिव इस वन को क्या करेगा, रिपेल 1/4πε0 10^-8 डिवाइडेड बाय 0.05 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ये नेगेटिव इस प्लस वन को क्या करेगा, अट्रैक्ट 1/4πε0 10^-8 डिवाइडेड बाय 3×0.05 का स्क्वायर, 3 क्यों, 1, 2 और 3, तीनों ऐड करके आंसर आएगा। फिर बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कोई शॉर्टकट भी है इसका, है एक शॉर्टकट है क्या, एक्सियल, इतना करने की तो जरूरत थी नहीं क्योंकि ये पॉइंट इसके एक्सिस पे लाई करता है, ये तो एक तरीका था ही था। देखो डायपोल मैंने क्या बोला था, अगर डायपोल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए फिर एक तरीका तो है ही है ये वाला, ये तो आपका कभी फेल हो ही नहीं सकता ना दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में। पर चलो अगर ये नहीं करना तो ऐसा करें ना, 10^-8 कूलम और -10^-8 कूलम, क्यू एंड माइनस क्यू हो गया, और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो यहाँ पे निकालनी है। अब ये देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डायपोल से 2×0.05 मीटर होगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, तो ऐसे होगा। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर ई सीधा एक्सियल लगा देना है 1/4πε0 2π/r का क्यूब, सिंपल, और p की जगह पुट कर लेना q(2a) और यहाँ पर 2a क्या बनेगा 0.05 प्लस 0. ये क्या वैल्यू आएगी आपके पास 2a, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने आपको बता दिया अगर डायपोल मिल गया उसका एक्सिस मिल गया फिर तो एक्सियल लाइन है, अदरवाइज प्लस वन रख के तो करते रहो, एक लेफ्ट एक राइट जो वेक्टर आएंगे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। उसी तरीके से आखिरी क्वेश्चन है, अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो बिल्कुल सी पॉइंट में निकालनी है, तो ये 10^-8 -10^-8 और यहां पर आपको वैल्यू निकालनी है। पहला रूल तो वही है, प्लस वन रख लें, ये नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव से रिपेल करेगा, फिर कॉम्पोनेंट ड्रॉ कर लें आंसर आएगा। एक और तरीका है, इक्वेटोरियल लाइन नहीं है ये, इक्वेटोरियल लाइन है तो इक्वेटोरियल लाइन में क्या करेंगे 1/4πε0 सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये 2a तो आपको पता ही है, 2a की वैल्यू 2×0.05 दिख ही रही है, r आपने पाइथागोरस से निकाल लिया, e इक्वेटोरियल में 1/4πε0 p/r³ कर लेना, 1/4πε0 p की जगह q×2a/r³ कर लेना, q आपको पता है, 2a आपको पता है, r आपको पता है, तो ये सॉल्व करना मुश्किल है ऐसे क्योंकि अंडर रूट के ऊपर क्यूब भी आएगा, 3/2 कैसे करेंगे, फिर कॉम्पोनेंट ले लेना cos थीटा sin थीटा से कर लेना और क्या करेंगे, ठीक है। पर नहीं कैसे, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं, 3/2 में पावर में क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको मेथड समझ में आ गया, मतलब ईजी कैलकुलेशन आएगी, r ऐसा देगा कि 3/2 नहीं आएगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मेथड समझ में आ रहा है, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है। तो इसमें जो शीट थी ये क्वेश्चन हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ फिफ्थ हो गया, ये भी हो गया, सेवन्थ हो गया, क्वाइन में से कितने चार्ज को रिमूव करें, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें, कर लिया हमने क्वाइन वाला क्वेश्चन, ये सेम रिपीट है, इलेक्ट्रॉन फॉल प्रोटॉन फॉल रिपीट है क्वेश्चन। ये दो चार्जेस हैं क्यू एंड माइनस क्यू, 5 mm अपार्ट क्या गिवन है 2a, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे 15 cm दूर, तो एक्सियल का फॉर्मूला लगा देना, फिर ऐसे ही 15 cm अवे ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या करें, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला ना करें, जो भी एक्सेल का रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दे, आधी वैल्यू आ जाएगी, दो बार फॉर्मूला मत लगाएं क्योंकि एक्सेल इक्वेटोरियल में ट्वाइस का फर्क है, एक्सेल पहले निकाल लें, इक्वेटोरियल में डिवाइड बाय 2 कर दे, ठीक है। ये हो नहीं पाएगा, ये थ्योरी अभी हमने की नहीं है, यहाँ तक क्लियर है।